अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खवातीन ये हमसे जानना चाहती हैं कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं कि जिनके दौरान अगर वो चाहें तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। सो इनको हम ओवुलेशन के डेज या एग रिलीज होने के दिन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवेयरनेस और थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है वो ये कि हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपनी माहवारी के साइकिल का अंदाज़ा हो। जो आपको मैं बताऊँगी कि जो पहला दिन आपकी साइकिल का है उसको हम डे वन कंसिडर करते हैं, और जो अगली साइकिल का पहला दिन है उस तक वो साइकिल कंटिन्यू करता है। जैसे अगर आपको पीरियड्स आए हैं पहली जनवरी को, यकम जनवरी को, और आपको नेक्स्ट साइकिल आता है 28 जनवरी को, तो इसका मकसद है कि आपका साइकिल 28 दिन का है। अगर आपको 1 जनवरी को आए और नेक्स्ट साइकिल आया 4 फरवरी को, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका साइकिल 35 दिन का है। सो जो नॉर्मल साइकिल है वो 21 दिन से 45 दिन तक का होता है। हर खातून दूसरी से मुख्तलिफ है, बिल्ट में, खुराक में, अपने मेटाबॉलिक रेट में। सो किसी एक के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर बच्ची, हर खातून अपने साइकिल की लेंथ को खुद मैयर कर सकती है। सिर्फ थोड़ा सा कैलेंडर को देखने और उसे समझने की ज़रूरत है। अब साइकिल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो जो लास्ट 14 दिन हैं वो एक दिन नहीं रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और वो दिन हैं जिस दौरान जो लास्ट 14 दिन को निकाल के, यानी अगर आपका साइकिल 28 दिन का है उसमें से आप 14 दिन निकालेंगे तो 14 जनवरी, तो 14वां दिन वो है जिसमें मैक्सिमम चांस है कि आप ओवुलेट करेंगी, आपका एग रिलीज होगा। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब आप उसको 14 दिन पे लेते हैं तो उसमें 2 दिन ऐड कर लें और 2 दिन निकाल लें, यानी 12, 13, 15, 16। सो 12 से 16 जनवरी एक ऐसी खातून जिसको साइकिल 1 जनवरी को आया है और उसको अगला साइकिल 28 जनवरी को ड्यू है, सो ज्यादा चांस ये है कि अगर वो 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक इंटरकोर्स करेंगी तो मैक्सिमम चांस है कि वो डेज को फर्टाइल डेज समझ के मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि एग बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक चीज है। हमें ये बात थोड़े से समझने की जरूरत है कि एग एक बहुत फ्रेजाइल चीज है। अपने रिलीज होने के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर एग पेरिश कर जाता है। लेकिन इसी के मुकाबले में स्पर्म्स एक तो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, दूसरा ये कि एक स्पर्म 72 आवर्स से लेकर 7 डेज तक सर्वाइव करता है। सो हमें क्यों ये आगाही होनी चाहिए कि कौन से मैक्सिमम फर्टाइल डेज हैं, कौन से मैक्सिमम डेज हैं जिसपे के ओवुलेशन हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो एग रिलीज हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाए और उसको अवेल किया जाए। सो 28 डे के साइकिल पे 14th डे वो है मैक्सिमम जिस पे कि एग रिलीज होगा, लेकिन उस एग को ज्यादा से ज्यादा अवेल करने के लिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद को उसमें शामिल कर दिया जाता है, जो कि एक फर्टाइल पीरियड बन जाता है, यानी 12, 13, 14, 15, 16 दिन। इसी तरह अगर आपका साइकिल 21 दिन का है तो आप उसमें से जब 21 दिन में से करेंगे तो 7th डे जो है वो बन जाता है आपका, और उसमें भी 5th, 6th, 7th, 8th और 9th डे। अच्छा, जब एक खातून को पता चल गया कि उसके साइकिल की लेंथ ये है, आपने फर्स्ट डे ऑफ वन साइकिल टू फर्स्ट डे ऑफ सेकंड साइकिल को नोट कर लिया, उन दिनों को गिन लिया, अगर आपके ये दिनों की तादाद 21 से 45 दिन तक है, इट मीन्स कि आपका साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई एक्स्ट्रा अद्वियात अपने साइकिल को नॉर्मलाइज रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कम से कम बाहर से आप हार्मोन्स लेंगी उतना ही आपकी अपनी बॉडी उस साइकिल को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकेगी, क्योंकि आपका सारा नॉर्मल फिनोमेना चल रहा होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जब एक फर्टाइल पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसे अवेल कैसे करना है। उसको अवेल करने के लिए उन स्पेसिफिक डेज में अगर हो सके तो रोज़ाना, वरना अल्टरनेट डेज पे इंटरकोर्स करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि जो एग रिलीज हुआ है वो अगले 24 घंटे में स्पर्म से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, मेटाबॉलिक रेट अपना सही रखना चाहिए, एक्टिविटी सही रखनी चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए, ऑर्गेनिक्स की तरफ वापस आना चाहिए। सो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ऐसी खवातीन जो कि प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं उन्हें चाहिए कि 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की गोली जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है एक रोज़ाना लेना शुरू करें। इसमें हमल ठहराने की सलाहियत तो नहीं है, लेकिन वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती हैं, और आगे इंशाल्लाह जब वो प्रेग्नेंट होती हैं
तो उस जायगोट में और उस बच्चे में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, पैदाइशी नकाइस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सो अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो उसको प्रेग्नेंट होने से प्लान करने से पहले ही उसे कंट्रोल कर लें। आपका शुगर का हीमोग्लोबिन A1C वो लेवल है जो कि आपको बताता है कि पिछले 10 हफ्ते में आपका शुगर का कंट्रोल कैसे आया। आइडियली वो लेस देन 6.1% होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर आप उसका शिकार हैं तो अपनी अद्वियात को इस तरह ऑल्टर करें, इस तरह अपने फिजिशियन से सेट करवाएं कि आपका ब्लड प्रेशर सही रहे। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, तो उसके लिए भी आयरन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। आइडियली तो खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को स्टमक या किसी और वजह से वो नहीं खा पाते तो आप उसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लगवा सकते हैं। सो, इसका मतलब है कि एक खातून की हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए, वो बिल्कुल हर तरीके से सेहतमंद हो बिफोर शी एंटर्स इनटू हर प्रेगनेंसी। ऑल्दो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरत की तरफ से खातून को अल्लाह मियाँ ने प्रेग्नेंट होने और आगे रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल हमारी बच्चियों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो डिप्राइव्ड या सही उनमें कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। सो अपनी उस कमी को पूरा करके उस फेज़ में एंटर होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को सही इन्जॉय भी कर सकें और एक हेल्दी आउटकम के साथ हमारे पास आएँ। अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई क्वेरी है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।